हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ चिवड़ा रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिवड़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो कटोरी पोहा ले लिया है, छोटे कटोरी से। उसके बाद हमने पोहे को अच्छी तरह से धोकर रख लिया था उसको फूलने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि हमने दो बड़े बड़े उबले हुए आलू ले लिए। उसको ऐसे हमने कद्दूकस कर देना है। देखिए, हमने कद्दूकस कर लिया। अब देखिए, हमारा जो चूड़ा हमने भिगो कर रखा तो बिल्कुल फूल गया अच्छी तरह से। अब इस आलू में हम कद्दूकस किए हुए आलू में अपना चूड़ा डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अपने अपना चूड़ा डाल दिया। इसके बाद इसमें हम अपना कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस, धनिया पत्ती, ये सब हमको डाल देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने एक नींबू ले लिया, उसको कट कर लिया था। हमने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया इसमें। उसके बाद हमने कटी हुई एक प्याज ले लिया था, थोड़ा सा हमने धनिया का पत्ता ले लिया था कट करके। उसके बाद हमने चार हरी मिर्च ले लिया था। सबको हमें चिवड़ा और आलू जो हम कद्दूकस किए थे इसमें मिला लेना है दोस्तों। सबको हम इसी में डाल देंगे। उसके बाद इसमें अपना मसाला भी ऐड कर देंगे। मसाले में हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया, हल्दी पाउडर ले लिया 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर ले लिया। उसके बाद हमने नमक डाल दिया इसमें, और सबको अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेना है, मिला लेना है सबको अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, हमने सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। हमने हाथ से ही मिलाया है सबको अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको तल लेंगे। सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर दिया। उसके बाद इस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है दोस्तों। अब कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हमने चिवड़ा रोल बनाकर उसमें डाल देना है, तल लेंगे दोस्तों। देखिए, हमने इस तरह से चिवड़ा रोल बना लेना है हाथ से। सबको हमें ऐसे ही बनाकर रख लेना है, तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही बना कर रख लेना है सब कुछ के बाद हमने हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें हमने डाल देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया था। इसमें हमने डाल दिया एक एक करके चूड़ा रोल। उसके बाद हमको एक साइड से अच्छी तरह से पका लेना है दोस्तों। एक साइड से जब हमारा पक जाएगा तो चम्मच की सहायता से हमको पलट लेना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से पलट लिया सारे चूरा रोल को। उसके बाद हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसको हम एक साइड से फिर पलट लेंगे लेंगे ताकि हमारा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा चूरा रोल बिल्कुल रेडी हो गया, और हमने सॉल्व करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, बहुत खाने में बहुत यम्मी लगता है ये। हम इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको ब्रेकफास्ट में, शाम के नाश्ते में कभी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसको बड़ों या बच्चों सब पसंद करते हैं खाना। इसके साथ हमने चाय भी रख दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।